AS4 contingencies and event occurring after the balance sheet date. Contingencies अलग है, event occurring after balance sheet date अलग है. पहले हम पढ़ेंगे ये होते क्या हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके पैराग्राफ्स के पेपर में उसको लिखना कैसे है. पहले हम बात करते हैं इसके टॉपिक की. पहले हम फर्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, कंटीजेंसीज. कंटीजेंसीज क्या होती है? जैसे कंटीजेंसी, पहली बात, कभी भी अलोन कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं होती. इसमें कंटीजेंट प्रोविजंस भी आते हैं और कंटीजेंट लाइबिलिटी भी होती है. कंटीजेंट लाइबिलिटी कब बनती है वो मैं बताऊंगा और प्रोविजन कब बनते हैं वो मैं बताऊंगा. पहली बात बात करते हैं टाइप्स की. जब हम कंटीजेंसी की टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स आते हैं. पहला होता है कंटीजेंस गेन और दूसरा होता है कंटीजेंस लॉस. कंटीजेंस गेन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई कोर्ट केस पेंडिंग है हमारे हमारे उसमें हक में, और हमें पता है कि बाद में हम जीतेंगे जीतेंगे, तो ये कंटीजेंसी गेन है. लेकिन हम इसको बुक नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट हमें भी पता है कि हम बुक नहीं कर सकते. कंटीजेंसी लॉस है, कोई मान लो कोई भी लॉस है जो हमें लग रहा है आने वाले कल में हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 5% है, बहुत रिमोट है, तो इसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं. जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मोर देन 50% होती है, एंड उसका अमाउंट भी हम रीजनेबल डिटरमाइन कर पाते हैं, तो उसका हम प्रोविजन बना देते हैं. और जिसकी प्रोबेबिलिटी 5 to 50% होती है, मतलब जो कंटीजेंट हम उसको हम कंटीजेंट लाइबिलिटी बना देते हैं. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इसकी मतलब हम हारने के चांसेस हैं 5 to 50% है, तो इसकी हम कंटीजेंट लाइबिलिटी बना देते हैं और ये डिस्क्लोज करने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में. और जैसे और इसे डिस्क्रिपेंसी ऑफ केस भी कहा जाता है. हम इसके बारे में आगे थोड़ा और पढ़ेंगे. अभी जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि अगर प्रोबेबिलिटी हाई है और अमाउंट डिटरमाइन नहीं हो रहा. अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी हाई है और अमाउंट डिटरमाइन हो रहा है तो कंटीजेंट प्रोविजन बन गया. अगर प्रोबेबिलिटी 5 to 50% थी तब भी हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाई थी. लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी हाई है लेकिन अमाउंट हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे तो प्रोविजन कैसे बनाओगे, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी हम दिखा देंगे. अब मैं डिस्कस करता हूँ कि कंटीजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस क्या होता है. प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो हमें अमाउंट पता होता है, हम प्रोविजन बनाते हैं और वो बैलेंस शीट के अंदर आता है, बैलेंस शीट आइटम है. इन कंटीजेंट लाइबिलिटी हम डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट में कि ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज हैं, ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती. सॉरी, बैलेंस शीट का पार्ट होती है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में आती है, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी के तरफ में नहीं आती. ठीक है, मतलब तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी इसको मतलब नहीं बोल सकते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट में आती है, बैलेंस शीट का पार्ट होती है, लेकिन एसेट एंड लाइबिलिटी को ये डिक्रीज इंक्रीज नहीं करती. फिर आता है एक एग्जांपल है और ये एक्सेप्शन है. जैसे कोई बीआर, जो मान लो कोई बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल मैं तुमसे पूछूं कि क्या होता है, एसेट होता है. ठीक है, हमें पता है हमने बीआर को एंडोर्स कर दिया, मतलब मान लो कल को तुमने किसी को बीआर दिया, तुम्हें पता है ये बंदा दे देता है, पे कर देता है, लेकिन उसने भी किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो अभी प्रोबेबिलिटी हमारी रिमोट बन गई कि हो सकता है कि लॉस हो सकता है, हो सकता है कि वो पैसे ना दे. बीआर डिसऑनर हो गया, दोबारा से तुमने बीआर बनाया, एसेट बनाई, वो डिसऑनर हो गई, तो अभी भी है कि प्रोबेबिलिटी रिमोट है, हो सकता है पैसे ना आए, तो ये हम केस को एक्सेप्शन मांगेंगे और इसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बनाएंगे. मतलब हम अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे कि जो भी बीआर इंडोर्स हुआ है या बीआर डिसऑनर हुआ है वो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, इसको याद रखना. इसके साथ कंटीजेंसी यहीं खत्म होता है, हम आगे इसके बारे में क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. अब है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम वो इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो बैलेंस शीट के बाद अकर हो रहे हैं लेकिन अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले अकर हो रहे हैं. मतलब क्या है, अगर मैं इसका टाइम फ्रेम बनाऊं तो टाइम फ्रेम बन रहा है 31 मार्च 2018, अगर अभी 18 की हम बात करें, 31 मार्च 2018 से लेकर 30th सितंबर, जब अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जब डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है, एजीएम होती है, तुम्हारी क्या नाम है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, उस टाइम पे अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30th सितंबर. ठीक है, तब तक कोई इवेंट अकर हो रहा है तो पहली बात, दो टाइप्स के इवेंट होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. जैसे हम पहले केस की बात करते हैं, एक केस था 31/3 को हमें पता था, मतलब बैलेंस शीट डेट पे हमें पता था एक केस हमारे खिलाफ कोर्ट में पेंडिंग है.
मई में उसका और कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, एजीएम डेट बाद में थी। तो ठीक है, ये है इवेंट अकरिंग द आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी जरूर बनाएंगे, मतलब कंटिजेंट इसको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले से पता था कि एक कोर्ट केस हमारे खिलाफ पेंडिंग है, बाद में ऑर्डर आया, ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं 31/3, मतलब बैलेंस शीट डेट को एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट में। तो इसको हम मतलब इसे एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। अब एक फायर अकर हुई, ठीक है, बैलेंस शीट के बाद और एजीएम से पहले एक फायर अकर हुई, ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। हाउ एवर, अगर फायर तुम्हारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इफेक्ट कर रही है तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे 31/3, ठीक है। पहली बात, फायर अकर हुई, छोटी फायर अकर हुई, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन हमें पता चला कि वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रही है, तब हम एडजस्ट करेंगे 31/3 को। एक केस है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या हुआ, पहले क्या होता था, ये केस है, इसको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको पढ़ लो, क्या होता है, इससे नॉलेज बढ़ेगी। क्या होता है, पास्ट में क्या होता था, हम कोई डिविडेंड प्रपोज करते थे तो हम एंट्री कर देते थे बैलेंस शीट डेट से पहले कि PNL डेबिटेड टू प्रपोज डिविडेंड। बाद में हो सकता है तुमने डिविडेंड पे किया नहीं किया, लेकिन तुमने PNL तो बुक कर लिया ना उसको, तो इसलिए क्या होता है, अब क्या हो गया कि जब भी तुम मतलब तुम प्रपोज डिविडेंड मतलब बोल दो कि डिविडेंड मैं दूंगा, लेकिन जब तुम डिविडेंड दोगे तभी ये एंट्री होगी, प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक और PNL टू प्रपोज डिविडेंड। जिस दिन तुम मतलब डिविडेंड दे रहे हो उसी दिन ये एंट्री करोगे PNL टू प्रपोज डिविडेंड वाली, पहले नहीं कर सकते। ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के बाद ये अमेंडमेंट आई थी, क्योंकि इनकम टैक्स में भी होता है, इनकम टैक्स में जैसे एक सेक्शन होता है, मेरे को सेक्शन का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो होता है कि अगर तुम्हारे कोई भी पेबल्स 31 को है तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं अगर तुमने उससे पहले पे नहीं किए, एजीएम से पहले उसको पे नहीं किया, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसको चेंजेस आए थे। अब हम बात करते हैं, हमने कंटीजेंसीज पढ़ ली, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पढ़ ली। ज़्यादातर क्वेश्चन इस मतलब इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट से। तो कंटीजेंसीज क्या है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में जो भी इवेंट होता है, फिर हम उसे देख के पता लगाते हैं कि हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी बनानी है, कंटीजेंट प्रोविजन बनाना है। एक्चुअली इस पूरे AS का यही रेलिवेंस है। अब पहला हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ जितने भी मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए लर्न करने, पैराग्राफ एज इट इज पेपर में लिखना होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक एक पैराग्राफ में पढ़ाते पढ़ाते उस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। पहला है, एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इफ सच इवेंट प्रोवाइड्स रिलेटेड टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट एंड ऑल्सो मटेरियल इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कोई भी इवेंट हुआ, पहली बात, बैलेंस शीट के बाद में हुआ, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, हम तभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी में एडजस्ट करेंगे अगर वो इवेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे हमें पता था कि वो होने वाला है और वो मटेरियली इफेक्ट कर रहा है हमारी वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी को, तो हम एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंजेस कर देंगे, कब, बैलेंस शीट डेट में, ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंजेस कर देंगे, ये वर्ड याद रखना, एडजस्टमेंट कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। दोबारा इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के, ये पैराग्राफ लिख के आना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया जो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उसमें पहले लिखना पड़ेगा, एज पर दी अकॉर्डिंग टू AS 4 एडजस्टमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अब मैं कुछ केसेस की डिस्कस करता हूँ, इस वाले पैरा को एक बार चार्ट की हेल्प से सीखते हैं, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ही आते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट होगी एसेट एंड लाइबिलिटी की, कोई भी एडजस्टमेंट होगी एसेट एंड लाइबिलिटी की इफ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट को और हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, जो कि मटेरियल इफेक्ट कर रही है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब कोई भी एसेट एंड लाइबिलिटी है बैलेंस शीट डेट पर और उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन हमें पता है कि हाँ उस टाइम पे है और बाद में कोई भी मतलब वो मटेरियली कोई भी बाद में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो कि मटेरियल इफेक्ट कर रही है उस एसेट एंड लाइबिलिटी को जिसकी वैल्यूएशन 31 मार्च को हो रही है, ठीक है,
एक हम एग्जांपल लेते हैं, इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पीएम के सॉल्व हो जाएंगे। एक डेटर था 8 लाख रुपए का, 31 मार्च 2018 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी को पता था, कंपनी अवेयर दैट डेटर इज फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कंपनी को पता था कि डेटर फाइनेंशियल डिफिकल्टी पे है, या तो ये हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कंपनी को फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पता चल गया था कि डेटर को एक हैवी लॉस हुआ है, बहुत हैवी लॉस हुआ है, ठीक है। कंपनी ने एक प्रोविजन भी बना रखा था 25% का, हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में 8% 10% जो भी हो। मई 19 को, मतलब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डेटर बैंकक्रप्ट हो गया और कुछ भी उससे नहीं मिला, तो एडवाइस करो कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा। चलो एडवाइस करते हैं। पहली बात, हम बताएंगे कि कंपनी अवेयर थी कि डेटर एक ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी पे है, या फिर अगर क्वेश्चन हो सकता है तो हम लिखेंगे कंपनी को फर्स्ट वीक में ही पता चल गया था कि डेटर को हैवी लॉसेस हुए थे, तो मई में जो बैंकरप्टसी हुई है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट को तो कंडीशन एग्जिस्ट थी कि डेटर हैवी डिफिकल्टी से गुजरा है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कब मिली, मई में। तो अब क्या करेंगे, कंपनी 8 लाख प्रोवाइड करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन 31 मार्च 2018, मतलब पुरानी वाली बैलेंस शीट में ही अब कंपनी को चेंजेस करने पड़ेंगे। कंपनी को एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जो कि तुम्हें पता है कि लाइबिलिटी साइड में आता है, तो वो प्रोविजन बनाना पड़ेगा फुल अमाउंट का, 8 लाख रुपए का, कि ये डूब सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, हमें पता है डूब गए, होता क्या है बैलेंस शीट बन गई 31 को, बाद में कुछ पता चला, तो अभी भी बैलेंस शीट में चेंजेस करे जा सकते हैं। कब तक करे जा सकते हैं, जब तक एजीएम नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारी ऑडिट और फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो कि 30 सितंबर होता है, ये प्रोविजन होता है, ठीक है। अब यही सेम पैरा की बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम यहाँ बात करेंगे लैंड या प्रॉपर्टी की। एक कंपनी थी, उसने एग्रीमेंट किया से सेल सेल करने का प्रॉपर्टी या लैंड को फॉर 35 लाख का। कब किया एग्रीमेंट, 15 फरवरी को, ठीक है। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट डेट को प्रॉपर्टी थी हमारे बैलेंस शीट में 7 लाख की, फिर लेकिन हमने जो सेल डीड रजिस्टर करवाई वो करवाई 30 अप्रैल, मतलब आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले वही पैराग्राफ लिखना है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, फिर पैराग्राफ के बाद लिखना है इन द गिवन केस एग्रीमेंट तो हो गया था बैलेंस शीट डेट से पहले पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेल डीड रजिस्टर हो गई, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एसेट एंड लाइबिलिटी को में ऑन 31 मार्च 2018 को ही, इन बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एसेट एंड लाइबिलिटी में। कर देंगे एडजस्टमेंट की हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो बिक गई, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो पहले ही हो गया था, वो सेल डीड तुमने रजिस्टर बाद में करवाई है, वो तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेल डीड रजिस्टर करवाना, एग्रीमेंट तो हो गया था ना, तो मान लो 31 मार्च को भी बिक गई। इसी पैरा से रिलेटेड एक और केस है कैश का, और ये बहुत अच्छा केस है, छोटा सा केस है। 2 जनवरी 2018 को कैशियर ने थ्रेफ्ट किया 2 लाख रुपए का, कैशियर ने 2 लाख रुपए गल्ले से निकाल लिए, हमें बाद में पता चला मई 2019 को, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा आंसर में लिखेंगे हमने डिटेक्शन करी। पहले तो हम ये पैरा का रेफरेंस देंगे, ठीक है, इस पैरा में जो लिखा है वो देंगे, फिर बोलेंगे इन द गिवन केस डिटेक्शन हुई आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड अप्रूवल ऑफ बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एजीएम से पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद डिटेक्शन हुई, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी हमें पता चली वो मटेरियली इफेक्ट कर रही है टू द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, इसका मतलब हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑन 31 मार्च 2018 को, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल ही समझ आ रहा है कि मटेरियल इफेक्ट कर रही है, ठीक है, मैंने बताया भी था उस पैराग्राफ में ऐसा लिखा है। अब बात उठती है आगे, क्वेश्चन है अगर हमें डिटेक्शन मई में नहीं आफ्टर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई होती तो क्या होता, ठीक है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती तो इस पे AS4 नहीं AS5 अप्लाई होता, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो अलग चीज होती हैं, तो AS5 इस पे अप्लाई होता, हम लिखते AS5 अप्लाई होता है, AS5 का नाम लिखते और हम इसमें ये लिख के आते कि देखो भाई अब जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2019 को होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर होगी, क्यों, क्योंकि हमें आफ्टर दी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चला है, और बैलेंस शीट डेट के तो ऑब्वियसली बाद में ही पता चला है, तो मतलब इस पे AS4 नहीं AS5 एप्लीकेबल होगा। AS4 कब एप्लीकेबल होता है, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर। मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए, चाहे वो कैशियर से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिससे भी रिलेटेड था, तो उसमें हम पैरा नंबर 1 देख कर आएंगे जो हमने अभी पढ़ा, इसका एक चार्ट भी मैंने बनवाया था,
फिर इसके बाद हम पैरा नंबर टू में आते हैं, मतलब पैरा नंबर टू वो मेरा बताया हुआ नहीं है, वो एक्चुअली पैरा नंबर टू उसका है, क्या नाम है, पैरा नंबर 8, पैरा नंबर 13, ऐसे नंबरिंग है, लेकिन मैं पैरा नंबर टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉपी में है। इसको पैरा नंबर टू पेपर में मत लिख देना प्लीज। डिस्क्लोजर इन जनरली मेड इन द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। डिस्क्लोजर से रिलेटेड बात हो रही है, जो भी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो रहा है तो कब होता है। इन सब्सिक्वेंट पीरियड दैट रिप्रेजेंट अनयूजुअल चेंजेस अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग और सबस्ट्रेक्टम ऑफ एंटरप्राइज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब कोई ना कोई अफेक्ट कर रही है वो, कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जो अफेक्ट कर रही है हमारी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा, तो तब हम डिस्क्लोजर करेंगे ही करेंगे। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ कब। इस पैरों को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इससे है ना बहुत सारे एक फायर, इस पैरा से रिलेटेड वैसे फायर का केस हमारा सॉल्व होगा और बहुत अच्छी तरह सॉल्व होगा, और बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दो केसेस हैं, पहला है डिस्क्लोजर हम तब करेंगे अगर सब्सिक्वेंट पीरियड में हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्राइज को हिला सकती है, अफेक्ट कर सकती है, मेटेरियली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम दो केसेस की बात करते हैं फायर में। फायर में भी दो केसेस होते हैं, एक होता है हमारा एक मिनट, जो इंश्योर्ड गुड्स का है, एक होता है अनइंश्योर्ड गुड्स का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन में करवाऊंगा। एक मेजर फायर हुई 5 अप्रैल को, मतलब 5 दिन बाद में ऑफ डिस्क्लोजर, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, मतलब 31 मार्च के 5 दिन बाद 5 अप्रैल को एक मेजर फायर अकर हुई। 10 करोड़ रुपए का हमें लॉस हुआ, उसमें से 7 करोड़ हमें रिकवर हो गए इंश्योरर से, मतलब इंश्योर्ड था, ठीक है, 7 करोड़ हमें रिकवर भी हो गए। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जो भी हमें मतलब लॉस हुआ है ड्यू टू ब्रेक आउट ऑफ फायर। ये एक एग्जाम्पल है अकरिंग आफ्टर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का। हम आगे लिखेंगे जो हमारा इवेंट था, मतलब फायर हुई है, वो अनप्रिडिक्टेबल था और ये हमारी फाइनेंशियल इफेक्ट स्टेटमेंट को इतना अफेक्ट नहीं कर रही है, जो बैलेंस शीट डेट में हमने जो बनाया था वो बैलेंस शीट को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है, तो हम इसमें कोई भी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, इंश्योर्ड था, हमारे इंश्योर्ड थे गुड्स, ठीक है। हाउ एवर फिर लगेंगे, हाउ एवर एज पर AS4, फिर वो वाला पैराग्राफ लिख देंगे जो मैंने अभी बताया था, वही पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, कह रहे अगर वो मतलब हमारी एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस में फर्क डाल रहा है, मैंने ये कॉन्सेप्ट में भी बताया था, एग्जिस्टेंस में फर्क डाल रहा है तब हम जरूर डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है। ये यहां पर लिखा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और लर्न कर लें। यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसमें जब मैं वो पढ़ा रहा था नोट्स में से दिखा रहा था, तो उसमें भी यही था कि अगर हमारी गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता है तो हम डिस्क्लोजर पक्का देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक फायर ब्रोक हुई 10 लाख रुपए की और उसकी 2 करोड़ रुपए सेल्वेज वैल्यू थी। 2 करोड़ की सेल्वेज वैल्यू मतलब 10 करोड़ का जो नहीं 10 लाख का जो सामान हमारा स्टॉक जल गया, तो सेल्वेज वैल्यू है कि कबाड़ा कर 2 लाख रुपए का बिक जाएगा, ठीक है, अनइंश्योर्ड स्टॉक थे। अब अनइंश्योर्ड स्टॉक में आंसर कैसा लिखना है, पहले हमें लिखना है कोई भी मटेरियल चेंजेस होते हैं, कमिटमेंट्स होती है जो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को एंटरप्राइज की, वो डिस्क्लोज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू AS4, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये मटेरियल है कि नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो लॉस अराइज हो रहा है वो नॉन इंश्योरेंस गुड्स की वजह से हो रहा है, हमने इंश्योरेंस तो करवाया नहीं था, तो ये हमारे करंट लॉस को भी इफेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ हमारी फ्यूचर की वल्नरेबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। हेंस फायर एक्सीडेंट एंड लॉस देयर ऑफ मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक अनइंश्योर्ड थे और फ्यूचर रिस्क को इफेक्ट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में डाल दिया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, क्यों, क्योंकि अगर छोटी फॉर्म हो तो 10 लाख का लॉस, ऑब्वियसली 10 लाख का अनइंश्योर्ड स्टॉक बहुत बड़ी बात रहेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा है, टाटा में 10 लाख का माल जल गया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इफ पॉसिबल यहां पर लगाया है। तो इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही लर्न करें जैसे मैंने अभी बताया, मैंने थोड़ा सा इजी भाषा में बोल दिया, आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको अच्छे से पढ़ें, पेपर में वही लिख के आए जो मन में आ रहा है उठ रहा है वो नहीं लिख के आए, वो भी मैंने बता दिया कि हकीकत में क्या होता है, लेकिन पेपर में ऐसे लिख के आए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फायर के दोनों एग्जांपल्स थे और दोनों इंपॉर्टेंट थे फॉर द एग्जाम।
अब हम तीसरे पैराग्राफ की बात करेंगे, जो तीसरा पैराग्राफ मैंने देखा डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। कह रहा है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच डू नॉट इफेक्ट द फिगर स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फिगर्स जो भी बैलेंस शीट में हमने बनाई है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है तो हम डिस्क्लोजर नहीं दिखाते, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो सच सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा है, तो अगर सिग्निफिकेंस उसका इफेक्ट है, मैं अभी बताऊंगा कि कहां कहां होता है, किस किस एग्जाम्पल में होता है, अगर उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो डिस्क्लोजर आएगा कहां पर, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाएगी ना उसके अंदर जरूर आएगा। किस लिए जाएगा, कि यूजर को बताने के लिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था, ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने बैलेंस शीट में नहीं डाला। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल इफेक्ट नहीं कर रहा था बैलेंस शीट फिगर्स को, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा था कंपनी को, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जाके बता के आएंगे, रिपोर्ट में बता के आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने जो अभी केस पढ़ा उसका एक ही एग्जाम्पल है। एक कंपनी थी, नेगोशिएशन कर रही थी दूसरी कंपनी के साथ बिफोर बैलेंस शीट डेट, कभी भी फरवरी जनवरी में नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फिर हमने उसको एक्वायर कर लिया 50 लाख का इन अप्रैल 19 में, तो क्या होगा? तो हम लिख कर आएंगे कि देखो, हम पूरा का पूरा पैराग्राफ पहले लिख कर आएंगे, फिर बोलेंगे इन द गिवन केस भी यही हो रहा है, नेगोशिएशन पहले हो चुकी है, बैलेंस शीट डेट से स्टार्ट हो चुकी है, एक्वायर बाद में किया है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं उनको तो कुछ इफेक्ट कर नहीं रहा है, तो हम डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देंगे नहीं, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट तो दे रहा है कंपनी के लिए, सिग्निफिकेंट है जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है लेकिन बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है, तो हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जरूर ये देकर आएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट इसको डिस्क्लोज जरूर करेगी। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है यार, जो चीज बैलेंस शीट डेट को इफेक्ट नहीं कर रही थी वो आएगी नहीं वहां पर, और जो चीज बाद में तुमने एक्वायर करी है लेकिन एजीएम से पहले तो एक्वायर कर ली ना, तो अब तो डिस्क्लोजर उधर तो देना ही पड़ेगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। बहुत छोटी सी मामूली सब मतलब ये पैराग्राफ है, अगर पेपर में आ गया तो बल्ले बल्ले है इस नंबर की, इतना बड़ा पैराग्राफ में लेंथ है उसकी, फ्री फंड के मार्क्स मिलेंगे, मतलब एज इट इज तुम लिख के आओ। मैंने जो पैराग्राफ डिस्कस किया था, अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, आराम से लिख के आओ, फिर इन द गिवन केस आराम से लिख के आओ, फ्री के 5 नंबर है सिंपली। एक कंपनी एक मतलब सॉरी कोर्ट केस भी गिवन है यहाँ पर, और ये मैंने पहले में भी नोट्स में कवर कर लिया था कि कंपनी के अगेंस्ट एक सूट फाइल हुई रखी है जिसमें 20 लाख का क्लेम है, तो आंसर है ये हम कंटिजेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करेंगे और मार्च 2018 को, और क्योंकि ये एक एस्टिमेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है यहाँ पर, और ये अनसर्टेनिटी है विच में इफेक्ट फ्यूचर आउटकम, ये हम रीजन लिख कर आएंगे, खत्म। इसके आगे हम एक केस यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट ये केस मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ नो डिस्क्लोजर का ये केस है, यहाँ पर कोई डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। ये केस क्या कह रहा है, एक चेक है, ठीक है, हमें रिसीव हो रहा है 31 मार्च को, या फिर 31 मार्च 2018 को, या फिर उससे पहले की डेटेड का, मतलब उस चेक पे डेट डली हुई है 31 मार्च या 30 मार्च या 29 मार्च, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, 31 मार्च को डेटर को तो उतने अमाउंट से लेस कर देती है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा देती है चेक इन हैंड उस अमाउंट का, ठीक है, और फिर चेक प्रेजेंट करती है बैंक में अप्रैल को, 2, 3, 4 अप्रैल को जाती होगी। क्या होता है, डेटेड तो तुमने कभी भी चेक काट के दे दिया, तुम कब जमा करवाने जा रहे हो, वो तो 3 महीने का टाइम होता है ना, अप्रैल में प्रेजेंट कर देती है और बैंक में डिपॉजिट कर देती है। तो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। पहले हम लिखेंगे कि पहली बात, ये जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं बैंक में और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, चेक को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट नहीं करना। पहली बात, डेट चाहे कुछ भी हो हम उसको नहीं देखेंगे, जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ चेक इन अप्रैल जो भी हो रहा है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोई भी मटेरियल चेंज जो कि इफेक्ट कर रहा हो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। ये कोई मटेरियल चेंज नहीं है यार, जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं अप्रैल में, ठीक है, एक कलेक्शन हो रही है ना अप्रैल में, तुमने चेक इन हैंड दिखा दिए थे ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है, तो इसकी कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि हाँ कि ये अनसर्टेनिटी है। कोई अनसर्टेनिटी थोड़ी ना, मिल ही जाएंगे पैसे तो ठीक है। ये यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट है, इसको हम इतना इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है, ये कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं डालती और इसका हमें डिस्क्लोजर नहीं दिखाएंगे। अब जो मैंने अभी केस पढ़ाया था वो एज इट इज पेपर में लिखने हैं जैसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर केस है
इसका भी एडवांस लेवल है कि जैसे हमारी एक कंपनी है मुंबई में, लेकिन हम जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो स्टॉकिस्ट के थ्रू सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया। स्टॉकिस्ट वो पर्सन होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं और हमें पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब इन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कि चेक अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं मतलब हम मार्केटिंग पर्सन जो होते हैं वो हमारे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो चेक कलेक्ट कर रहे हैं स्टॉकिस्ट से ऑन मतलब या तो 31 मार्च को या बिफोर 31 मार्च को, तो क्या होगा। पहली बात, वहां पर जो हमने केस में बात करी थी वो थी चेक चेक की डेट से रिलेटेड, कि पहली बात हमें हमेशा डेट से रिलेटेड बातें याद रखी। वहां तो चेक की डेट से रिलेटेड थी कि हमारे डेटर से आ रहा था तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पर बात हो रही है कि वो स्टॉकिस्ट हमें मतलब जो पेमेंट कर रहा है, यहाँ भी डेट से रिलेटेड बात है कि 31 मार्च को पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, स्टॉकिस्ट से जब हमें पैसा मिल रहा था स्टॉकिस्ट का जो लाइबिलिटी खत्म हो गई है, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द स्टॉकिस्ट, देयर फोर जो चेक कलेक्ट हुआ है मार्केटिंग पर्सनल ने जो चेक कलेक्ट किया है बिफोर ऑन ऑन मार्च 31 मार्च, वो रिक्वायर होगी एडजस्टमेंट फ्रॉम द स्टॉकिस्ट अकाउंट। स्टॉकिस्ट अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और हमें मतलब प्रेजेंट करना पड़ेगा बैंक में, चाहे हम प्रेजेंट कर रहे हैं अप्रैल में वो कोई बात नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर जो भी कलेक्शन हो रही है उसको हमें मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जो हम दिखा रहे हैं ये चेक इन हैंड्स को, इसको हमें डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में, और बतानी पड़ेगी कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी फॉलो कर रही है अबाउट सर चेक्स। तो इस केस में थोड़ी सी एक्सेप्शन समझ लेना, ये केस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बातें होती हैं जब हम स्टॉकिश के थ्रू करवा रहे हैं, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एज इट इज लर्न कर लेना। और इसमें एक और केस है कि अगर चेक स्टॉकिस्ट भेज रहे हैं, यहाँ तो पहले तो आ गए थे हमारे मार्केटिंग पर्सनल, मतलब हमारे मार्केटिंग पर्सनल हमारे काम कर रहे थे और चेक स्टॉकिस्ट से ले रहे थे, ठीक है, तो उस केस में एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर स्टॉकिस्ट हमें ही चेक दे रहा होता, ठीक है, ऑन और बिफोर 31 मार्च, स्टॉकिस्ट हमें कुरियर कर रहा होता चेक हमें दे रहा होता, तो याद रखना ये वही वाला केस बन जाएगा जो मैंने पहले डिस्कस कर रहा था जहां पर हम डेटर से चेक ले रहे थे। तो यहां पर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा और हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, और हम इसको मतलब नो डिस्क्लोजर नो सो नो डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर रिपोर्ट इज नेसेसरी, कोई डिस्क्लोजर नहीं हम इसका करेंगे, जो कि मैंने पहले बताया था ये वही केस बन जाएगा। बस स्टॉकिस्ट अगर उसको किसको ये यहाँ पर मार्केटिंग पर्सनल को दे रहा है तो केस चेंज हो जाएगा, बस ये है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसको पढ़ के चले जाना, और इसके अलावा ये AS यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।